बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बॉस जो कि बहुत ही आसान और जिससे अर्निंग होती है 1M पर आर। आप 1 घंटे में 1M बना सकते हैं। जिसको इस बॉस को किल करना बहुत ही आसान है, बस आपने एक ही प्रोटेक्शन लगानी है, या अगर नहीं लगाना चाह रहे तब भी ठीक है, अगर आपके लेवल अच्छे हैं तो। ये सेटअप पे डिपेंड करता है कि आपने प्रेयर लगानी है या नहीं, और आपके लेवल पे डिपेंड करता है। मैं आपको सारे सेटअप दिखाऊंगा, जिसे आप किल करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपने लेवल बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप अपने कॉम्बैट के लेवल बढ़ाने के लिए इसको किल करके अपने लेवल भी बढ़ा सकते हैं। साथ साथ आपकी अर्निंग होती रहेगी और साथ साथ आपके लेवल बढ़ते रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस बॉस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है जायंट मॉल, जिसका कॉम्बैट लेवल 230 है और जिसकी वीकनेस टैप है, और क्रश में ये काफी जो है ना वो स्ट्रांग है। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी दोगी कि हम जो स्टैप वेपन यूज करें, क्योंकि ये इसकी वीकनेस है। लेकिन ऑन अदर हैंड हम जो है वो स्लैश वेपन यूज करेंगे। लेकिन क्रश जो है ना, कोई भी जो है ना क्रश अटैक वाली वेपन से अवॉइड करेंगे। तो अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। वैसे तो इसको किल करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपकी अर्निंग बढ़ाने के लिए, आपको अर्निंग बढ़ाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करना होगी। सबसे पहले तो आपको फैलाड और हार्ड डायरी जो है इसकी कंप्लीट करना होगी। उससे क्या फायदा होगा, एक तो उसकी जो लोकेशन है वो हमें, ये शील्ड जो है हमारे पास होगी तो उसकी करंट लोकेशन बताती रहेगी। उसमें जो है ना, उसमें खूबी है कि वो जब आप 50% से नीचे आ जाते हैं जायंट मॉल तो वो गायब हो जाती है। तो उस केस में ये जो शील्ड है आपकी हेल्प करेगी, जैसा कि मेरे पास फैलाडो शील्ड 4 है। और डायरी का जो दूसरा बड़ा फायदा है वो ये है कि जो उसके आपको लूट मिलेगी उसमें दो चीजें शामिल है, मॉल क्लास और मॉल स्किन। ये जो आपको मिलेंगी ये नोटेड फॉर्म में मिलेंगी, और इससे आपकी जो जो आपका ट्रिप है वो उसको आपका काफी लॉन्गर हो जाएगा। मींस कि आपको बार बार वहां पे आना नहीं पड़ेगा। और दूसरी एक और चीज के उसकी जो 83% तक जो है ना, वो जो आपकी अर्निंग होती है वो मॉल जो उसका क्लास और स्किन से होती है। इसके अलावा आपके जो रिकमेंडेड लेवल हैं अटैक स्ट्रेंथ आपके 70+ होने चाहिए। रेंज से किल कर रहे हैं तो 70+ आपका रेंज होना चाहिए। डिफेंस अगर आपका कम भी है तो कोई बात नहीं है। अगर आप प्रेयर वाला सेटअप यूज करते हैं तो उसमें तो आपको प्रोटेक्शन लगानी होती है। प्रोटेक्शन लगाने पे इसका जो डैमेज है वो जीरो होता है, जो सबसे अच्छी बात है कि अगर आप प्रोटेक्ट फ्रॉम मेले करते हैं तो आपका जो डैमेज है जीरो होगा। आपका डिफेंस बिल्कुल भी नहीं है तो आप इसको किल कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रेयर है वो आपकी मिनिमम जो है 43 होनी चाहिए, लेकिन अगर आप पाइटी यूज करना चाह रहे हैं तो आपकी जो है ना वो 70+ होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप रेंज की प्रेयर बड़ी लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 74, लेकिन जो रिक्वायर्ड है वो 43 है। इसके अलावा जो और चीज आपको चाहिए, एक स्पेड चाहिए और एक लाइट सोर्स चाहिए। लाइट सोर्स में भी अगर आपने वहां पे फायर पिट जो है वो बिल्ड की हुई है, जैसा कि मैंने की हुई है, तो आपको फिर लाइट सोर्स की भी जरूरत नहीं। आप जो कोई भी लाइट सोर्स यूज कर सकते हैं। लाइट सोर्स में कैंडल यूज कर सकते हैं, लालटेन यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल। इसके अलावा आप बात करते हैं सेटअप के बारे में। तो सेटअप में सबसे जो फर्स्ट है, अगर आपका स्लेयर टास्क नहीं है, अगर स्लेयर है तो फिर तो आप जो है ना ये वाला सेटअप यूज नहीं करेंगे, ये डरोक सेटअप। ये सेटअप आप तब यूज करेंगे जब आप स्लेयर टास्क पे नहीं है, तभी आप जो है ना ये यूज करेंगे। इसके लिए जो एक रिक्वायरमेंट और है कि आपने जो है ना वो साथ आपको या तो लोकेटर ऑफ चाहिए या आपको रॉक केक चाहिए। आपको चाहिए ये वाला रॉक केक, ये आपको हिट पॉइंट कम करने के लिए जो है,
ये तो ड्रैगन स्लेयर 2 के बाद मिलती है, ये आपको मिलता है ऑर्क, जिसे आप बहुत ही जल्दी से लेवल कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये आपकी क्वेस्ट कंप्लीट नहीं है, तो फिर आप डेफिनेटली ये रॉक केक जो है ना वो यूज करेंगे। इसके लिए बिल्कुल छोटी सी एक जो है ना क्वेस्ट है, जो आप तकरीबन 15 मिनट में कर लेंगे। तो इसके लिए उन दोनों में से एक चीज रिक्वायर्ड है जो आपने यूज करनी है। लाइट सोर्स में मैं आपको फिर से बता दूं कि आप जो है ना, अगर आपके पास ये वाला हेलमेट 3 है तो ये यूज कर लें एज अ लाइट सोर्स, काम करेगा ये। सॉरी 3 नहीं, कोई भी आपके पास, आपने जो इजी डायरी की होगी यहाँ की, तो इसे आपको जो हेलमेट मिलेगा वो एज अ लाइट सोर्स काम करेगा। मेरे पास 4 है, आपके पास 1 भी होगा तो कोई भी होगा तो चलेगा, 3 नहीं रिक्वायर्ड है। या फिर आप कोई भी जो है ना वो लैंटर्न यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी, ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखी हुई है, लेकिन मैं इनमें से कोई भी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे मेरी जो फायर है, फायर पिट, वो बिल्ड हुई हुई है। तो सेटअप पर एक नजर फिर कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो 4 चीजें हैं, ये आपने लाजमी यूज करनी है, तभी ये जो सेट है डरो का वो काम करेगा। हेलमेट, बॉडी, लेग, और इसके अलावा ये एक्स, ये तो रिकमेंडेड है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये हर सूरत में आपको चाहिए, तभी आपको जो है ना वो ये काम करेगा। और इसके अलावा जो बाकी की आइटम है वो आप स्विच कर सकते हैं। आप जो है जो नेक वेयर है ये चेंज कर सकते हैं, कैपे चेंज कर सकते हैं, बाकी जो भी आइटम है वो चेंज कर, स्पेशल अटैक के लिए जो है वेपन है वो चेंज कर सकते हैं। और जैसा कि मैं जो बैंडोज गॉड स्वॉर्ड है, ये स्पेशल अटैक के लिए यूज करूंगा। वार हैमर रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसका ऑलरेडी जो क्रश अटैक है वो ज्यादा है, तो ये क्रश वेपन है। ड्रैगन डैगर जो है बेस्ट है, अगर आप ये यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपने करना क्या है कि आपने जो अपने हिट पॉइंट है वो बिल्कुल नीचे लेके आने हैं। आपके जितने ज्यादा हिट पॉइंट होंगे, जैसा कि मेरे 99 है, और उसको जितना नीचे लेके आएंगे उतनी ज्यादा हिट पड़ेगी। मींस के इससे आपकी जो हिट है वो 100 तक जा सकती है, मींस के एक दो हिट में भी आप उसको किल कर सकते हैं। सेट का यही फायदा है कि आपने जो है ना ये पूरा सेट, ये 4 चीजें आपने जो है ना, ये ब्रोकन भी नहीं होनी चाहिए इसमें से कोई चीज भी, तभी जो है ना इसका इफेक्ट होगा। इसके अलावा जो दूसरा सेटअप है, उसमें आपको जो है ना हिट पॉइंट कम करने की जरूरत नहीं है। स्ले टास्क अगर आपका है तो ये सेटअप बस सबसे बेस्ट है। इसमें आप थोड़ी कुछ फूड साथ ले जाएं, जब आपके ज्यादा हिट पॉइंट कम हो जाएं तो आप जो है ना वो आप प्रोटेक्ट फ्रॉम मेले करके आप अपने ट्रिप को लॉन्गर कर सकते हैं। इसमें आपको जो है इतनी ज्यादा हिट नहीं पड़ेगी, तो इसमें से अगर आप उस केस में होगा जब आपका डिफेंस ज्यादा होगा, जैसे कि मेरा 99 है, तो मैं आपको इससे भी किल करके दिखाऊंगा। इसमें जो आप भी आप वेपन यूज करेंगे, जैसे कि ये वाली वेपन और ये वाली, इसमें आप अगर कोई यूज कर सकते हैं तो उसका आप या तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप उसका स्टैप स्टाइल यूज करेंगे। अगर उस वेपन में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ये विप है तो इसमें अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप उसका जो है वो स्लैश अटैक स्टाइल यूज करेंगे। और इसके अलावा जो नेक्स्ट सेटअप है वो है वाइट के नाइट का। वाइट के नाइट जो इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, इसमें आपको पता ही होगा कि 4 जो चीजें आप यूज करेंगे, हेलमेट, टॉप, जो रोप, और इसके अलावा ग्लव्स यूज करेंगे, तो उस केस में आपको ये 10% जो है ना वो ज्यादा डैमेज और एक्यूरेसी देगा। तो उस केस में आप ये वाली जो है सेटअप, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और उसके अलावा जो दूसरी आइटम आप यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट सेटअप है वो प्रेयर का सेटअप है। इसमें आप जो है ना वो आइटम, जैसे कि अर्डाइन क्लॉक है, वो जो आर्मर जो है इक्विप करते हैं, जिससे आपको जो प्रेयर का बोनस ज्यादा मिलता है। मींस कि आपको अगर आपकी जो प्रेयर है वो जल्दी खत्म नहीं होगी, जितना आपका प्रेयर बोनस ज्यादा होगा उतनी आपकी प्रेयर कम खत्म होगी। तो इस केस में हम वो चीजें इस्तेमाल करेंगे करेंगे जिसमें आपकी जो प्रेयर थोड़ी सी कम इस्तेमाल हो, जैसा कि ये अर्डाइन क्लॉक है तो 6 प्रेयर बोनस देगी, ये 8, और मेरे ख्याल से ये 6 या 7, और इसके अलावा राडा ब्लेसिंग 2। तो इसमें आपकी जो प्रेयर है वो थोड़ी कम खत्म होगी, लेकिन इसमें थोड़ी जो आपकी जो
किल काउंट है वो थोड़ा सा नीचे आ सकता है, क्योंकि इसमें जो दो तीन आइटम है, जैसे कि ये हम दो चीजें यूज कर रहे हैं, तो ये आपको कोई मेले का जो है अदर स्ट्रेंथ नहीं देता। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेटअप है वो रेंज का सेटअप है, तो आप अगर आपके पास ट्विस्टेड बो है तो फिर तो आपकी बहुत ही अच्छी एवरेज आएगी, आप जो है ना रेंज से इसको किल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरी बो भी इस्तेमाल, क्रॉस बो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है मल्टी कैनन भी यूज कर सकते हैं, कैनन मशीन यूज कर सकते हैं, इससे आपकी जो एवरेज है इससे भी अच्छी आएगी। अब बात करते हैं इन्वेंट्री के बारे में, तो इन्वेंट्री में आपको एक स्पेड चाहिए, और इसके अलावा अगर आप ड्रोग का सेटअप यूज कर रहे हैं तो वो चाहिए, फेलाडो शील्ड चाहिए 3। अगर शील्ड नहीं होगी तो वो फिर आपको मैनुअली वहां पे ढूंढना पड़ेगा जब जो है ना वो गायब हो जाएगी। इसके अलावा स्पेशल अटैक वेपन आप कोई भी साथ ले जाएं, एक दो स्टेमिना पोशन 2 से 3 ले जाएं, जितना आप जो है ट्रिप लॉन्गर करना चाह रहे हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है आपके लेवल के हिसाब से। इसके अलावा प्रेयर पोशन लेके जाएं, साथ कॉम्बट पोशन या रेंज पोशन, जो भी आप सेटअप यूज कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको दो सेटअप से किल करके दिखाऊंगा। तो इस सेटअप में आपको फूड नहीं चाहिए, आपने सिर्फ प्रेयर पोशन साथ लेके जाने, क्योंकि हमने हिट पॉइंट एक पे रखना होता है, और इसके अलावा हमने जब भी उससे जब फाइट करनी है, जब उसको किल करना है, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम मिसाइल लगा के रखेंगे। इसके अलावा अगर आप अपना जो ट्रिप है वो लॉन्गर करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको जो है सात, आप जो है वो सात अल्केमी का सामान ले जाएं, तो आपको वहां पे एक तो चीजें फेंकना नहीं पड़ेंगी। अभी जो मैं जो यूज करूंगा वो मैं सिंपली जो है ना इसमें जो नेचर रून है, और इसके अलावा ला रून, और इसके अलावा डस्ट रून। बैंकिंग वापस आने के लिए मैं कैमलोट टेलीपोर्ट यूज करूंगा, और इसके बाद मैं हाउस में जाके वहां पे मेरी रिंग लगी हुई है फेलाडोर, सॉरी रिंग ऑफ वेल्थ लगी हुई है, तो वहां उसमें एक सिंपल एक टेलीपोर्ट है फेलाडो पार्क, वो आप जो है सिंपली यूज करेंगे और वो आपको वहां उसी लोकेशन पे ले जाएगा जैसा कि ये। लेकिन अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप सिंपली क्या करेंगे, रिंग ऑफ वेल्थ यूज करेंगे जो आपको इस जगह पे लेके आएगी। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, इन्वेंट्री में एक रिंग ऑफ वेल्थ रखें, वो आपको यहाँ पे लेके आएगी, यहाँ से आके आप अपना सेटअप जो है ना वो इन्वेंट्री जो है वो आप अपनी दोबारा से सेट करेंगे और वापस इसी जगह पे चले जाएंगे। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये देखिए जो मॉल हिल बने हुए हैं, आपने राइट क्लिक करके लुकअप करना है, तो चैट में अगर कोई बंदा अंदर हुआ किलिंग कर रहा हुआ तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, यहाँ पे जैसा कि एक बंदा किल कर रहा है, तो हम वर्ड स्विच करेंगे। आपने उस वर्ड में जाना है जहां पे ये 0 होगा। लुकअप करते हैं, यहाँ पे कोई नहीं, तो आपके पास लाइट सोर्स नहीं है, तो आप जो है ना वो स्पेड पे क्लिक करेंगे तो आपका बंदा अंदर नहीं है। अंदर जाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली स्पेड पे क्लिक करना है। अगर आपकी इन्वेंटरी में लाइट सोर्स ना हुआ और आपने जो ये फायर है ये बिल्ड फायर पिट बिल्ड ना की हुई, तो बंदा आपका अंदर नहीं आएगा। ये देखिए जैसे ही हम एंटर हुए तो ये शील्ड की वजह से ये हमें इसकी लोकेशन बता रहा है। तो क्विक प्रेयर में ये मैंने 3 प्रेयर लगा रखी हैं। आपने क्या करना है, पहले हम इस पे स्पेशल अटैक करेंगे, हिट पॉइंट हमने जो है अपना जो है वो कम ही रखना है। ये देखिए 65 की हिट पड़ी है, ये देखिए किल हो भी गई। ये जो इसकी मेन मैंने आपको बताया कि ये इसके मॉल स्किन और मॉल जो है क्लास, यही इसकी जो मेन आती है, ये फॉरन इस वापस आ जाती है, अपीयर फिर से फॉरन हो जाती है, ये इसकी जो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ये इसकी जो मेन लोकेशन है जहाँ पे ये अपीयर होती है। तो फिर से एक स्पेशल अटैक करते हैं, आपने बस ध्यान में रखना है क्योंकि हमारा जो हिट पॉइंट है वो 1 है, तो उस केस में आपने क्या करना है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम मेले आपने लाजमी लगा के रखनी है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको 1 हिट पड़ गई।
तो जो है ना आपके वो आपकी डेथ हो जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा आप जो है ना वो प्रेयर अपनी जो बड़ी है वो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने बड़ी जल्दी इसको किल कर लिया। जो इसकी मेन अर्निंग है ये मॉल स्किन और मॉल क्लाद है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। इसका वापस चलते हैं लोकेशन पे, हिट पॉइंट जैसे ही आपके ज्यादा हो जाएं आपने इसको कम करते जाना है। सॉरी इस साइड पे। इसके अलावा आप जो अपनी प्रेयर है वो जो बड़ी प्रेयर अगर आप लगा रहे हैं तो इसको आप स्विच भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऑफ करें फिर पूरे टाइम पे। तो इसकी जो हिट है वो 90 जो है वो 100 तक हो सकती है, और सिंपली आपने इसको ऐसे ही किल करना है। हिट पॉइंट कम करते जाएं बस, जब स्पेशल अटैक हो जाए तो आप जो है वो स्पेशल अटैक। ये देखिए 82 की हिट पड़ी है। यहाँ पे बस आपको प्रेयर पोशन और इसके अलावा जो है वो चाहिए साथ में स्टेमिना पोशन, और इसके अलावा कॉम्बैट पोशन। इसके अलावा आपको यहाँ पे फूड की जरूरत नहीं, क्योंकि हमेशा हमने प्रोटेक्ट फ्रॉम मैजिक लगा के रखा, सॉरी मेले लगा के रखी है। जब भी इसके 50 से नीचे हिट पॉइंट होंगे, 50% से नीचे, जैसे कि 200 इसके हिट पॉइंट है, तो 50 से जब भी नीचे आएंगे तो चांसेस है कि ये गायब हो जाएगी। ये जमीन खोद के या कोई एक और इसका मेथड है तो उससे ये अपनी जो लोकेशन है वो चेंज कर लेती है, और ये जो शील्ड है ये आपकी हेल्प करेगी इसको ढूंढने में। ये देखिए 84 की जो है इसे हिट पड़ी है। आपको जो 1 घंटे में जो है वो जो किल करने होंगे 50 किल करने होंगे, तो 50 किल करेंगे तो इससे आपकी जो है ना वो एवरेज 1 M से ऊपर ही आएगी। जितने आप हिट पॉइंट नीचे रखेंगे उसका इतनी इसको हिट ज्यादा पड़ेगी। ये देखिए 90 की पड़ी है इसे, तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगता इसको किल करने। ये देखिए ये ऐसे गायब हो जाती है, और यहां से हमें इसकी लोकेशन का पता चल रहा है कि कहां पे। अगर आपकी डायरी नहीं होगी तो फिर आपको मैन्युअली ढूंढना पड़ेगा मुख्तलिफ जगहों पर। ये वाली जो लोकेशन मैप मिनी मैप में आ रही है ये नहीं आएगी। ये देखिए फिर से ये गायब हो गई। इसमें जो हम दूसरा सेटअप यूज कर रहे हैं वो मेले वाला यूज कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको सेटअप फिर से दिखा देता हूँ। ये मेरा सेटअप है, और इसके अलावा अगर आप जो है वो या तो आप साथ प्रेयर पोशन ले जाएं या फिर फूड ले जाएं, ये आपके लेवल्स पे डिपेंड करता है। मेरे जैसे कि 99 लेवल है, तो मैं आपको जो है दोनों चीजें दिखा देता हूँ, फूड भी ले आया हूँ साथ और जो है ना प्रेयर पोशन भी। तो अगर आपकी फूड खत्म हो जाए तो उस केस में आप जो है ना वो प्रोटेक्ट फ्रॉम मेले कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आप वेपन यूज करेंगे, जैसे मैं ज़ोमरोकियन हास्ता यूज कर रहा हूँ, तो उस केस में इसका जो आप टैग स्टाइल है वो स्टेप पे करेंगे। ये देखिए स्टेप पे
इसमें स्लैश भी है और स्टैप और क्रश भी है, ये दोनों हम यूज नहीं करेंगे, स्टैप यूज करेंगे। तो डिक करते हैं, ये देखिए जैसे ही एंटर हुए उसने हमें लोकेशन बता दी। इसमें हमने हिट पॉइंट कम नहीं करने, ना आपको रॉक की जरूरत है ना ही आपको और की जरूरत है। इसमें जो मैं स्पेशल अटैक के लिए वेपन साथ लेके आया हूँ वो है डैगर। आप वार हैमर यूज कर सकते हैं, बैंडोज यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या सीन है। उसके बाद हम इसका जो स्टाइल जो यूज करेंगे वो स्टैब यूज करेंगे। ये देखिए अभी तक हमें जो हिट नहीं पड़ी लेकिन पड़ भी सकती है। इसने बार बार जो है ना गायब होना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए हम जो है स्टेमिना पोशन लाते हैं साथ। जब भी ये 50% से नीचे होती है तो इसके जो है ना वो गायब होने के चांसेस हैं। क्या बात है, तो इसने स्टार्ट ही कर दिया है। इसीलिए आपको जो स्टेमिना पोशन चाहिए। अगर ये इस केस में अगर आप बार बार जो है डिसअपियर और इसकी अपनी जो लोकेशन चेंज करना स्टार्ट कर देती है। रेंज में आप जो है ना सेफ स्पॉट बना सकते हैं, जैसे कि आप यहां पे खड़े हैं तो यहां पे अगर आप खड़े होके इस जगह पे किल करेंगे तो उस केस में ये सेफ स्पॉट होगा। उसमें आपको जो है ना फूड साथ लाने की भी जरूरत नहीं है। कॉम्बैट पोशन मैंने जो रिन्यू कर लिया है, और इसके अलावा फिर से हम स्टार्ट करते हैं। जब तक इसके 100 से नीचे हिट पॉइंट नहीं आएंगे तब तक ये डिसअपियर नहीं होगी, अपनी लोकेशन नहीं चेंज करेगी। लेकिन जैसे ही 100 से नीचे आएंगे, 50% से नीचे आएगी, तो उस केस में ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए जैसा आपने मिनी मैप पे ध्यान रखना है और यहाँ से आपने उस जगह पे उस पॉइंट पे पहुंच जाना है। ये देखिए इसलिए अर्निंग का मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि इसकी जो अर्निंग है वो 1 M है। अगर आप 50 किल करते हैं राउंड अबाउट तो इसकी जो अर्निंग है तकरीबन 1 M। इससे ज्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपके लेवल्स पे, आप कौन सा सेटअप यूज कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आपकी अर्निंग है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।